नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी, लेक्चरर CTDM GWPC सांगानेर से। आज मैं आपको प्लेन कुर्ते की ड्राफ्टिंग बताने जा रही हूँ, जेंट्स प्लेन कुर्ता। तो उसके लिए हमको जो मेज़रमेंट चाहिए सबसे पहले वो देखते हैं। उसके लिए हमें कुर्ते की लेंथ चाहिएगी सबसे पहले, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर, स्लीव लेंथ और वेस्ट लेंथ, ये मेज़रमेंट चाहिए हमें। फ्रंट पार्ट है उसकी ड्राफ्टिंग बताने जा रही हूँ आज। ये हमारा 0 to 1, ये टोटल जो हमारे कुर्ते की लेंथ है वो, प्लस 1 सेंटीमीटर ऊपर शोल्डर पे सीम के लिए, वो मैं ऐड ही करवा रही हूँ आपको लेंथ में साथ ही। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर के लिए और 1 सेंटीमीटर नीचे के लिए, तो टोटल लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर जो हमारा ऊपर और नीचे का सीम अलाउंस, फुल लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर। आपका कपड़ा थोड़ा फ्रे होने वाला अगर है तो चाहे तो ऊपर 1, लेकिन नीचे आप 1.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। लेकिन 1.5 सेंटीमीटर लिया है तो उतना ही हमको सीम में दबाना है। इसकी सीम बहुत बारीक होती है, मोटी फोल्डिंग जैसे नहीं होती है, तो 2 या 2.5 सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 0 to 2 आर्म होल लेंथ के लिए 1/4 चेस्ट प्लस 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये किसी भी हालत में हमारा 10.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा चेस्ट मेजरमेंट 44 या अबव है तो भी फिर 10.5 ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर 0 to 3 हमारा है वेस्ट लेंथ जितनी भी है, और प्लस 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस जो हमको शोल्डर के लिए चाहिएगा वो उसमें ऐड करना होगा। फिर हमारा शोल्डर पे 0 to 4 ये है हाफ शोल्डर प्लस 1 सेंटीमीटर जो हम इसमें स्लीव जोड़ेंगे उसका सीम अलाउंस मैं इसमें ऐड ही आपको करवा रही हूँ। फिर 2 to 5 ये हमारा केवल हाफ शोल्डर है, ये लाइन फिर आप इसको ज्वाइन करेंगे 4 to 5, वो हल्की सी अंदर आएगी, 1 सेंटीमीटर अंदर हो जाएगी। फिर 2 to 6 वाला जो मेज़रमेंट है वो हमारा है 1/4 चेस्ट प्लस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है हमारा ईज के लिए, जो हमको पहनने में और मूवमेंट के लिए चाहिए। ये अगर आपको थोड़ा फिट चाहिए तो आप 3 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो इसको 5 या 6 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, आप इसको अपने चॉइस के हिसाब से। देन 3 to 7 ये हमारा 1/4 वेस्ट प्लस 4 सेंटीमीटर। अगर हमने ऊपर 4 लिया है तो 4, 3 लिया है तो 3, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो दोनों में बराबर आना चाहिए, जो हमारा ईज है, ईज अमाउंट हमारा बराबर होना चाहिए। लेकिन कई बार होता है चेस्ट और वेस्ट में हमारा डिफरेंस नहीं होता, या कई बार होता है कि हमारा अबनॉर्मल फिगर है और पेट किसी का बाहर निकला हुआ है, तो हमारा ये वेस्ट मेज़रमेंट चेस्ट मेज़रमेंट से भी ज़्यादा हो जाता है। तो उस दौरान फिर ये लाइन हम बाहर लेंगे और ये लाइन हमारी ऐसे हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में, फिर नीचे वाला जो पॉइंट है आप उसको उससे मिला देंगे। तो ये स्टैंडर्ड मेज़रमेंट के हिसाब से आपकी लाइन हमारी अंदर ही जाएगी। उसके बाद 1 to 8 नीचे बॉटम के लिए, ये हमारा या तो 1/3 ऑफ चेस्ट मेज़रमेंट टोटल हम ले सकते हैं, या फिर 1/4 चेस्ट प्लस 10 सेंटीमीटर हम उसको ले सकते हैं। ये 1 to 8 वाला 1/3 चेस्ट और या 1/3 चेस्ट या फिर 1/4 चेस्ट प्लस 10 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है यहाँ का वो अमाउंट है। इसके बाद है हमारा 4 to 9, ये हमारा शोल्डर स्लिट के लिए, तो ये 1/24 ऑफ चेस्ट, हमारा चेस्ट जितना है उसका 1/24 अमाउंट हम उसका उसके लिए लेंगे, चेस्ट शोल्डर स्लोप के लिए लेंगे। फिर हमारा 0 to 10 एंड 0 to 11 ये नेक के लिए है, दोनों मेज़रमेंट हमारे 1/12 ऑफ चेस्ट, 1/12 ऑफ चेस्ट दोनों मेज़रमेंट सेम है, और हम इसको राउंड में गोलाई में देते हुए 10 पॉइंट को 11 से मिलाएंगे। ये जो हमारा 1/12 है ये उस वक्त लेते हैं जब हमको नेक पे कॉलर नहीं लगाना होता। अगर हमको यहाँ कॉलर लगाना है तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँगी, अभी ये हमारा जो है विदाउट कॉलर वाला है, इसलिए 1/12 ऑफ चेस्ट हम ले रहे हैं। इसके बाद है 11 to 12, ये मेज़रमेंट है हमारा ओपनिंग का, स्लिट का, क्योंकि कुर्तों में फ्रंट में
ओपनिंग रहती है स्लिट की, तो 11 टू 12 वाला जो अमाउंट है वो हमारा है 1/4 चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा स्लिट के लिए रहेगा। लेकिन ये अमाउंट भी हमारा 11 इंच से ज़्यादा नहीं होगा। कई बार होता है हमारी टोटल लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है अगर किसी लंबे पर्सन का हम बना रहे हैं तो, लेकिन उस वक्त भी ये वाला जो है हमारा 11 इंच तक ही मैक्सिमम हमारा रहता है। उसके बाद है 7 to 13, यहाँ हमारी इसमें पॉकेट लगती है, तो 7 to 13 ये 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है। फिर 13 to 14 ये हमारा है पॉकेट माउथ ओपनिंग, ये है 1/6 ऑफ चेस्ट, 13 to 14 पॉकेट माउथ ओपनिंग। फिर 14 to 15 ये हमारा है 1/12 ऑफ चेस्ट, इतना सा हम वापस उसको स्टिच करते हैं। और ये बाकी का जो अमाउंट है नीचे 15 to 18 वाला, और सॉरी 16 तक आएगा, वो हमारा चाप के लिए रहता है, ओपन रहता है। तो 8 to 16 है वो मेज़रमेंट हमारा 3 to 1 जितना है उतना ही 7 to 16 पे ले लेते हैं, और क्योंकि ये हमने थोड़ा तिरछा लिया है इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 3 to 1 का अमाउंट हमने यहाँ लिया और इसको स्लाइटली, जैसा आप इसमें देख रहे हैं वैसे स्लाइटली शेप देते हुए, कर्व देते हुए आप इसको 16 को ज्वाइन कर देंगे 1 के ऊपर। ये हमारा प्लेन कुर्ते का फ्रंट पार्ट है जो कि स्ट्रेट ग्रेन में निकलता है, ऑन फोल्ड होता है इस तरफ से, और जो ये आप स्लिट के लिए आप लेते हैं 1/4 चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर, ये आपकी 0.5 सेंटीमीटर विड्थ की चौड़ाई की होती है। इतना 0.5 सेंटीमीटर हम कट कर देते हैं जब इसकी पट्टी लगाते हैं, बटन पट्टी लगाते हैं। हमारा सीम अलाउंस बाकी तो लेंथ में आ गया, शोल्डर्स पे यहाँ आ गया, केवल अब यहाँ बचता है। तो यहाँ पे हम 6, 13, 7, 14, 15 और 16 इस पर हम यहाँ पर सीम अलाउंस लेते हैं। नॉर्मली हमारा कपड़ा अगर फ्रे नहीं होता है तो 1/1 सेंटीमीटर, और अगर लगता है कि थोड़ा सा कपड़ा हमारा फ्रे हो रहा है तो 1.5 सेंटीमीटर का हम सीम अलाउंस लेते हैं। केवल यही लेना है क्योंकि हमने शोल्डर पे ऐड करा दिया है और लेंथ में ऐड करवा दिया है, वहाँ हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है प्लेन कुर्ते की, उसकी ड्राफ्टिंग है। नमस्कार।